बोलते कि 2-3 हजार रुपया देंगे बढ़ जाओ। किस लिए? शादी के लिए। सूर्य ग्रहण पते सूत्रों। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। क्या बिना दूल्हे के शादी देखी है? नहीं देखी होगी। बिना दूल्हे के जयमाला देखी है? जाहिर सी बात है ये भी नहीं देखी होगी। लेकिन आज हम एक ऐसी शादी दिखाएंगे जिसे देखकर हंसी भी आएगी और खुलासा करेंगे तो गुस्सा भी आएगा। लाइन से खड़ी ये दुल्हनियां नहीं बल्कि लुटेरी दुल्हनियां हैं, जो शादी के नाम पर योगी सरकार को इतना तगड़ा चूना लगा रही है कि सुनने वालों के भी होश उड़ जाएंगे। आगे कुछ भी बताएं, पहले देखिए कैसे जल्दबाजी में खुद ही अपने गले में जयमाला डाल रही हैं। दरअसल ये तस्वीरें यूपी के बलिया से सामने आई हैं, जहां सामूहिक विवाह के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। 568 जोड़ों की शादी हुई, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में दूल्हे के बिना ही दुल्हनों की शादी करा दी गई। ये शादी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार 51,000 रुपए देती है। हर जिले में इसका आयोजन होता है। योगी सरकार की इसी योजना में घुन लगाने के लिए फर्जी शादियां करवाई गई। वहाँ पे 2-3 लोग हमको बढ़िया ही बैठा दिया, तो मैं बैठ गया। किस लिए बैठा दिया? जबरदस्ती ऐसे ही बैठा दिया था। क्या कहे? बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे बढ़ जाओ। किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए तो आप बैठ गए वहाँ। फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठे थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए, टोपी भी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। दुल्हन दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है? पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उसे चला गया। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या कर रहे थे बहुत लोग? बहुत लोगों को बैठाया गया? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। तो सुना आपने कैसे बिचौलिया गांव-गांव से लड़के लड़कियों को पकड़कर जबरदस्ती मंडप में बैठाते हैं और उन्हें पैसों का लालच देकर फर्जी शादी करवाते हैं, अपनी भी जेब भरते हैं और इन लोगों को भी थोड़े पैसे देकर संतुष्ट कर देते हैं। पूछने पर भी यही पता चला कि इसमें कई सारी लड़कियां घूमने फिरने आई थी, जिन्हें पैसे का लालच देकर सामूहिक विवाह योजना में फर्जी तरीके से बैठा दिया गया, ताकि कागजों में गिनती हो जाए और सरकारी खजाने से पैसा भी ले लिया जाए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बयान सामने आया और उन्होंने तुरंत कहा कि घटना संज्ञान में है, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये गरीबों के साथ खिलवाड़ है। जिला प्रशासन से भी जांच टीम गठित कर दी गई है। FIR के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के लिए 20 सदस्यों की जांच टीम गठित कर दी गई है। मामले में FIR दर्ज हो गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली धनराशि पर तत्काल रोक लगा दी गई है और फर्जी दुल्हा दुल्हन से रिकवरी की जा रही है। CM योगी तक मामला पहुंचने के बाद बात हाई प्रोफाइल हो गई है। अब ऐसी हरकत करने वाले बिचौलियों को भी खैर नहीं है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।